हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि डेटा साइंस के फील्ड में हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहिए या फिर नहीं। सो पिछले 6-8 महीनों में काफ़ी लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा एंड ऑनेस्टली उस पॉइंट पे मेरे पास सही जवाब नहीं था, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं सोचता हूँ कि हायर एजुकेशन करना है या नहीं, बिकॉज मेरा करियर ऑब्जेक्टिव कुछ और है। बट आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों में से बहुत लोगों को ये डाउट आ सकता है कि हायर एजुकेशन परस्यू करें या फिर ना करें। तो इस वीडियो को मैंने अपने बकेट लिस्ट में डाल रखा था और द आइडिया वॉज कि मैं इनफ रिसर्च करूँ इस टॉपिक के ऊपर और फिर एक वीडियो बनाऊँ। तो फाइनली आई थिंक मैंने काफ़ी रिसर्च कर लिया है एंड नाउ आई एम इन अ पोजिशन जहाँ पर मैं ये वीडियो बना सकता हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले हायर एजुकेशन कैसे कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हायर एजुकेशन करना चाहिए या नहीं। आई नो ऑर्डर थोड़ा उल्टा साउंड कर रहा होगा आपको, बट येस मैं इसी ऑर्डर में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू हायर एजुकेशन क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, कितना पैसा लगता है, ये सारा डिस्कशन करेंगे। और फिर जो सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो होगा उसमें हम लोग एक एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे ये कंक्लूजन ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे कि भैया डेटा साइंस में हायर एजुकेशन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि मैं हायर एजुकेशन से क्या मीन कर रहा हूँ, ठीक है। सो हायर एजुकेशन से मेरा मतलब है मास्टर्स डिग्री, ठीक है। इट कुड बी ईदर मास्टर इन साइंस MS या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी MTech, ठीक है। हायर एजुकेशन से मेरा मतलब PhD नहीं है। PhD भी हायर एजुकेशन का पार्ट होता है, बट मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये जॉब पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। और जनरली PhD से आप अकेडमिक्स या फिर रिसर्च में जाते हो, तो मैं फ़िलहाल PhD को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। माई आइडिया इज़ टू डिस्कस MS एंड MTech। ऑल्सो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं जो एक साल के पीरियड के होते हैं या फिर उससे भी कम पीरियड के होते हैं, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल्सो मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज की भी बात नहीं कर रहा हूँ जो 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डेडिकेटेड 2 ईयर्स MS या फिर MTech वाले कोर्स जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं और प्रॉपर एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रॉपर आप कॉलेज जाते हो या फिर ऑनलाइन है तो फिर एक डिफरेंट सेटअप होता है। बट येस आई एम टॉकिंग अबाउट MS एंड MTech इन डेटा साइंस, ठीक है। ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था। और एक चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि थोड़ा हमें समझना चाहिए कि इस पूरी चीज़ का, ये जो हायर एजुकेशन इतना बूम कर रहा है डेटा साइंस में आज की डेट में, बहुत सारे कॉलेजेस ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स इस तरह के कोर्सेज में घुसे हुए हैं, तो इसका इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों अचानक से इस तरह का बूम आया है। सो हम सबको पता है कि डेटा साइंस इज़ अ बूमिंग टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में और ग्रो करेगा। द ओनली प्रॉब्लम इज कि डेटा साइंस इज़ वास्ट इन द सेंस, बहुत बड़ा है। और एज अ बिगनर आप खुद से तैयारी करने घुसो तो यू वुड रियलाइज कि बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, इन द सेंस काफ़ी चीज़ें करनी है, ये भी करना है वो भी करना है, और एज अ बिगनर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ें कब पढ़नी चाहिए, ठीक है। और अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो तो इवन कंपनीज आर कंफ्यूज्ड कि इस नई टेक्नोलॉजी को हम अपने एग्जिस्टिंग वर्क फ्लो में कैसे इंटीग्रेट करें। तो दोनों साइड से एक स्ट्रगल है, दोनों ही पार्टीज़ को नहीं पता कि परफेक्टली हम सही जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो एजुकेशन कंपनीज़ हैं जैसे कि अपग्रेड हुआ या ग्रेट लर्निंग हुआ, और ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि देर इज़ अ पोटेंशियल जहाँ पर हम बीच में घुस करके एक ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड ब्रिज जहाँ पर हम कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं बिकॉज हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, और फिर हम उनको प्लेसमेंट्स भी दिला सकते हैं बाय कनेक्टिंग देम टू दीज कंपनीज, ठीक है। तो इन्होंने एक ब्रिज बनाने का सोचा और यही ब्रिज है वो हायर एजुकेशन, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आज की डेट में आप नोटिस करोगे कि आप 4 वीडियोज़ अगर यूट्यूब पे देख लो डेटा साइंस के ऊपर, तो 5वें वीडियो में आपको एक ना एक ऐड आ ही जाएगा कि परस्यू हायर एजुकेशन फ्रॉम एक्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मेरे को बस ये पर्सपेक्टिव आपको समझाना था कि हो क्या रहा है अभी। इन शॉर्ट समरी ये है
कि सब कुछ इतना अनस्ट्रक्चर्ड फैला हुआ है, तो कोई ना कोई चाहिए था जो इस मार्केट को स्ट्रक्चर करे। तो कंपनीज के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनको खूब सारे ट्रेंड स्किल्ड कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेसमेंट लेने आ जाते हैं। और सिंस प्लेसमेंट लेने बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हायर एजुकेशन परस्यू करने आ जाते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के पास। तो ये पूरा इस चीज़ का इकोनॉमिक्स है, और ये मुझे आपको सबसे पहले समझाना था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप का ये हायर एजुकेशन करेंटली आपको इंडिया में मिल सकता है, लाइक व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, लेट्स डिस्कस दैट। सो इस पॉइंट पे अगर आप डेटा साइंस में हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो तो आपके पास तीन अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं एक एक करके तीनों ऑप्शंस बताता हूँ और फिर मैं डिटेल में उन तीनों को डिस्कस करूँगा। सबसे पहला ऑप्शन है, जो सबसे नॉर्मल ऑप्शन है, कि आप एक प्रॉपर इंडियन यूनिवर्सिटी में खुद को एनरोल कर ले एमएस या फिर एमटेक कोर्स में, ठीक है। आईआईटीज हुए या आईआईएससी हुआ है, और इस तरह के और भी कॉलेजेस हैं जो डेटा साइंस की फील्ड में हायर डिग्री ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे वेनिला, सबसे सिंपल ऑप्शन हो गया। इस ऑप्शन में देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, कि आप इस पॉइंट पे अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उसको छोड़ करके आपको फिजिकली उस इंस्टीट्यूट में जा करके 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। बेसिकली आप एक प्रॉपर कोर्स करने वाले हो, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से कर गए एमएस या फिर एमटेक, तो फिर वो एक लाइफ लॉन्ग डिग्री है जो आपके साथ आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाएगी, जो आपको हर जगह बेनिफिट देगी, ठीक है। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है कि आप बाहर एज इन दूसरी कंट्रीज़ में जा कर के हायर एजुकेशन परस्यू करो डेटा साइंस की फील्ड में, ठीक है। सो अगेन ये भी एमएस और एमटेक की ही डिग्रीज़ होती हैं, मोस्टली ज़्यादातर एमएस होती हैं, और कंप्यूटर साइंस में जिस तरीके से होता है बिल्कुल वैसे ही डेटा साइंस में होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बाहर ऐसे खुल गए हैं जो अब डेटा साइंस में भी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है, और बाय द वे ये जो सेकंड ऑप्शन है इसका बेनिफिट अगेन ये है कि आप अगर बाहर की किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हो तो अगेन दैट ब्रांड नेम विल ऐड इन योर रिज्यूमे एंड इट विल हेल्प यू जहां भी आप जाते हो, ठीक है। डाउनसाइड सबसे बड़ा यही होता है बाहर से एमएस करने का, कि इट्स कॉस्टली, ठीक है। तो हमेशा एक रिस्क रहता है कि आपको जल्दी से जॉब लेकर के वो लोन उतारना है, ठीक है। तो ये अबाउट सेकंड ऑप्शन। द थर्ड ऑप्शन इज अ न्यूअर ऑप्शन जो पिछले 3-4 सालों में मेन स्ट्रीम हुआ है, वो ये है कि कुछ स्टार्टअप्स हैं जैसे कि अपग्रेड हुआ या फिर ग्रेट लर्निंग हुआ, इसके अलावा और भी कुछ स्टार्टअप्स हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ उनका नाम। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप कर लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स के साथ भी और बाहर के इंस्टीट्यूट्स के साथ भी, और वो ऑनलाइन आपको ये प्रोग्राम्स में एनरोल करवाते हैं और फिर उसी प्रोग्राम के थ्रू प्लेसमेंट भी करवाते हैं। इस पूरे अप्रोच का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो भी कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में, लेट्स से आप जॉब कर रहे हो, तो आपको वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली इनकी क्लासेस वीकेंड में होती हैं और आप वीकेंड पढ़ाई करके अपने घर से 2 सालों में ये डिग्री ले सकते हो और इनफैक्ट प्लेसमेंट भी ले सकते हो। तो अगेन फ़ायदा यही है कि आपको छोड़ना नहीं है अपना जॉब या फिर आप जो भी कर रहे हो। और इसका डाउनसाइड ये है कि सिंस ये नया है तो अभी इंडस्ट्री में उस तरीके से ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। सो कल को अगर आप इनके ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में जॉब नहीं सिक्योर कर पाए तो आपको ऑफ कैंपस जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी इस पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों में ही आपको जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन इंस्टीट्यूट्स। सो गाइज, मैंने 8 अलग इंस्टीट्यूट्स का एक लिस्ट क्यूरेट किया है जो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी सबसे पावरफुल डेटा साइंस प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहला है आईआईटी गुवाहाटी का एमटेक इन डेटा साइंस प्रोग्राम, ठीक है। ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और सिंस इट्स आईआईटी गुवाहाटी, मतलब पुराने आईआईटीज में से एक है, तो आई अज्यूम कि इनका प्रोग्राम अच्छा ही होगा, ठीक है। तो द ओनली प्रॉब्लम विद दिस प्रोग्राम इज कि इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए
आपको गेट स्कोर चाहिए, मतलब आपको गेट की पढ़ाई करनी पड़ेगी और गेट क्रैक करके ही आप इस प्रोग्राम में घुस सकते हो। दिस इज अ फुल फ्लेज्ड एमटेक प्रोग्राम। सो इसको करने के बाद आपको एमटेक की डिग्री मिलेगी विथ अ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। आप चाहो तो इस पेज पे जाओ और यहाँ पर जाकर के आप इसके सारे डिटेल्स ले सकते हो, इंक्लूडिंग कि हर सेमेस्टर में क्या कंटेंट आप पढ़ोगे, क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट चॉइस बिकॉज दिस इज अ पुराना आईआईटी। द सेकेंड इज आईआईटी हैदराबाद। नए आईआईटीज में जो सबसे प्रॉमिसिंग आईआईटीज है उनमें से एक है आईआईटी हैदराबाद, और इन्होंने लास्ट ईयर एमटेक इन डेटा साइंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और ये लास्ट ईयर का पूरा एडमिशन वाला पेज है जहाँ पे इन्होंने सारी चीजें एक टाइमलाइन के थ्रू बता रखी हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेट्रा भी दिया हुआ है। जितना मुझे पता है यहाँ पर गेट के थ्रू एडमिशन ना हो करके आईआईटी हैदराबाद खुद से एक टेस्ट लेता है, रिटन टेस्ट, और उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम फी वगैरह थोड़ा कॉस्टली ही है, मतलब सब कुछ मिला के अराउंड 9 लाख चला जा रहा है। बट अगेन कमिंग फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद, मेरे को इस प्रोग्राम पे ट्रस्ट है। द गुड पार्ट इज कि अभी शायद जस्ट इनका नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ दिनों में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ये पेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। द थर्ड वन इज आईआईटी बॉम्बे का प्रोग्राम। इसको मैंने थर्ड पे इसलिए रखा है क्योंकि ये लोग एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एमएस बाय रिसर्च इन एआई एंड डेटा साइंस। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ नहीं है एंड ये लोग बोल रहे हैं कि प्लीज चेक बैक दिस स्पेस बाय फेब ऑफ 2022, विच इज नाउ। तो मोस्ट लाइकली अगर ये अपने प्लान पे सही से काम कर रहे हैं तो कुछ दिनों में इस पेज पे इनका प्रोग्राम अनाउंस होगा। और कमिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, मेरे को शायद इससे ज्यादा ट्रस्ट सिर्फ आईआईएससी बैंगलोर पे है जो हमारी लिस्ट पे नेक्स्ट है, दैट इज एमटेक इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। ये एक 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस, आईआईएससी। ठीक है, सो आप सभी को पता होगा टेक्निकल एजुकेशन के स्पेस में अगर आप हायर एजुकेशन का बात कर रहे हो तो आईआईएससी इज लाइक द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट, और अगर ये लोग एमटेक प्रोवाइड कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी गुड। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को अगर पढ़ लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें ऑफर की जा रही हैं। इनका एडमिशन डिटेल आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। तो ये जो 4 प्रोग्राम्स हैं ये मेरे को लगता है एकदम टॉप टीयर प्रोग्राम्स हैं। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो हायर एजुकेशन परस्यू करने में थोड़े कम कॉस्ट पे, और आपको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए है अपने पैसों के ऊपर, तो मुझे लगता है इन 4ों में से कोई भी एक प्रोग्राम आपको वो दिला सकता है। ठीक है, बट इसके अलावा भी कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, और उनमें से एक है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, आईएसआई कोलकाता। बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और स्टैटिस्टिक्स के डोमेन में लाइक इट इज द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। ठीक है, और इनका जो मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये बहुत पावरफुल है और इसको इंडस्ट्री में बहुत वैल्यू मिलता है। मतलब आईएसआई कोलकाता का अगर कोई मास्टर स्टैट्स का स्टूडेंट है तो ट्रस्ट मी उसका बहुत वैल्यू है, बहुत उसका रेपुटेशन है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये भी बहुत पुराना एक प्रोग्राम है, और अब सिंस डेटा साइंस का इतना वैल्यू है तो स्टैटिस्टिक्स का भी एक वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, द गुड पार्ट इज ये सारे प्रोग्राम्स उतने भी महंगे नहीं पड़ेंगे आपको, एक बार फिर भी आप जा करके इसके बारे में थोड़ा पता कर सकते हो। सिमिलर टू इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट देर इज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, CMI चेन्नई। ठीक है, ये भी एक एमएससी इन डेटा साइंस प्रोग्राम कराते हैं जो अगेन 2 सालों का होता है, और अगेन जस्ट लाइक आईएसआई इनका भी बहुत बढ़िया रेपुटेशन है इन दिस फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ के भी जो ग्रेजुएट्स होते हैं दे एंड अप लैंडिंग गुड जॉब्स इन गुड कंपनीज। ठीक है, तो ये भी पेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप एक बार इसको देख सकते हो। इनका भी शायद खुद से ही एग्जाम होता है, और आईएसआई का तो खुद से एग्जाम होता ही है, और आईएसआई शायद गेट के एग्जाम से भी लेता है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार आप जस्ट एक बार देख लेना। द सेवेंथ ऑन माई लिस्ट इज द एमटेक इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम फ्रॉम बिट्स पिलानी। ठीक है, तो ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। बिट्स पिलानी इज अगेन राइट नाउ प्रोबेबली द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री।
तो इनका एम टेक इन डेटा साइंस प्रोग्राम हैज टू बी गुड, ठीक है। थोड़ा महंगा हो सकता है, इस पॉइंट पे मुझे फी एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, बट इस पेज में सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन सी सेमेस्टर फी इज 62,750, तो सब कुछ मिला जुला के आपको 3-3.5 लाख का खर्चा पड़ेगा, और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। एंड अगेन आई डोंट थिंक ये लोग गेट के थ्रू लेंगे, इनका खुद का एग्जाम होगा। बिट्स पिलानी ऐसे भी हमेशा फेमस रहा है अपने खुद के एग्जाम्स लेने में, एंड दे हैव गॉट अ गुड एफएक्यू। इसको पढ़ के आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम, जो एग्जैक्टली एमएस या फिर एमटेक नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ एमबीए काइंड ऑफ प्रोग्राम। इसका नाम है PGDBA, ठीक है। सो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। द गुड पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम इज कि 3 इंस्टीट्यूट्स मिल करके ये प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है। सो आई एम कैलकटा, IIT खड़गपुर एंड ISI, ये तीनों मिल करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो जितना मुझे पता है, पहला सेमेस्टर आपका ISI कैलकटा में होता है, दूसरा सेमेस्टर आपका IIT खड़गपुर में होता है, तीसरा IIM कैलकटा में होता है, और जो लास्ट होता है वो आपका इंटर्नशिप होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एमबीए इक्विवेलेंट प्रोग्राम है, जहां पे आप बिजनेस एनालिटिक्स के डोमेन में एंटर करते हो। एंड दिस इज अ कॉस्टली प्रोग्राम, जितना मुझे पता है 25-26 लाख इसकी फी है, बट अगर आप प्लेसमेंट्स वगैरह में जाओ तो यू गेट गुड प्लेसमेंट्स, ठीक है। अगेन इसका खुद का एग्जाम होता है, और अभी कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये एग्जाम दे करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कुछ 4-5 साल पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से इसका फीडबैक मुझे हमेशा अच्छा ही मिला है, ठीक है। तो ये मेरे 8 चॉइसेस हैं टू डू हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। लास्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फर्स्ट 7 आप फॉर श्योर देख सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन, विच इज डूइंग एमएस अब्रॉड। अब ऑनेस्टली मेरे पास इस पॉइंट पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस नहीं है, बिकॉज मैंने भी इतना रिसर्च किया नहीं है कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं। ऑल आई कैन से इज कि जो सबसे प्रीमियर डेस्टिनेशन है वो है यूएसए। यूएसए में भी जो वेस्ट कोस्ट के कॉलेजेस हैं वो आपको सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं एमएस का, जितना मैंने सुना है। सेकेंड ऑप्शन वुड बी कैनेडा। कैनेडा में भी डेटा साइंस इज बूमिंग, एंड दैट इज वाई वहाँ के इंस्टीट्यूट्स भी बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो मैंने सुना है उसके हिसाब से जर्मनी इज वन ऑफ द ऑप्शंस, ऑल्सो यूके, एंड कुछ लोगों से मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी सुना है। अगेन ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो लोगों से बात करके है, और यूट्यूब पे जितना रिसर्च है उसके बेसिस पे। अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है, तो आई वुड रिकमेंड यू वॉचिंग सम वीडियोज जो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। धवल सर ने अपने चैनल पे काफी सारे वीडियोज बनाए हैं एमएसएन डेटा साइंस के ऊपर, आप उनके चैनल को जाके देख सकते हो। इसके अलावा भी मैंने और कई वीडियोज आपके लिए इकट्ठे करके दे दिए हैं, इनमें से आप सारे वीडियोज देखो। अगर आप बाहर जा करके प्लान कर रहे हो एमएसएन डेटा साइंस करने का, ये सारे वीडियोस आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देंगे कि बाहर से एमएस करना कितना फायदेमंद है। यहाँ पे आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा, कौन सा कॉलेज, वहाँ पे लाइफ कैसी रहती है, कितना पैसा लगेगा, जॉब सिनेरियो क्या है, वीजा सिनेरियो क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे इन वीडियोस से मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन चेक इट आउट। सो गाइज लेट्स डिस्कस द थर्ड ऑप्शन, ऑनलाइन हायर एजुकेशन। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस दैट यू हैव इज बिकॉज ऑफ दीज स्टार्टअप्स। ये कुछ कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं कि वो यूनिवर्सिटीज और आपके बीच में आ जा रही हैं, एंड दे आर बिकमिंग अ फैसिलिटेटर। वो क्या कर रहे हैं, वो इस पूरे ऑनलाइन सेटअप को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, सो दैट आप घर बैठे बैठे बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस उठा पाओ अपने एमएस से जैसा आप उस यूनिवर्सिटी में जाके कर पाते। तो जितने भी क्लासेस वगैरह होंगे वो इस तरह की कंपनीज के पोर्टल पे होंगे। प्लेसमेंट के लिए भी ये कंपनीज बीच में घुस करके कुछ कंपनीज को लेके आएंगी जो आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराएंगी। तो इन शॉर्ट आप इंटरैक्ट करोगे अपग्रेड से,
और अपग्रेड इंटरेक्ट करेगा उस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो अपग्रेड इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, मैं आपको और भी कुछ कंपनीज के बारे में बताता हूँ। सो अपग्रेड जैसे इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन दिस स्पेस, और ये दो तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं डेटा साइंस में स्पेसिफिकली। इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ इनका टाई अप है, जैसे कि ट्रिपल IIT बैंगलोर हो गया, देन IIM कोझिकोड हो गया, और दैट्स इट आई गेस, इन्हीं दो इंस्टीट्यूट्स के साथ इनका टाई अप है। और ये जो कोर्सेज हैं ये फिर भी थोड़े कम प्राइस के हैं, एज इन 2-3-4 लाख के हैं। इनका एक और ऑप्शन है और वो है स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स, जहां पर इन्होंने टाई अप कर रखा है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ। और इनका स्ट्रक्चर कैसा है कि एक साल आप ऑनलाइन पढ़ोगे और फिर एक साल आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में यू कैन सी कि अगर हम कोई डेटा साइंस प्रोग्राम की बात करें तो लाइक दिस इज MS इन डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। यहाँ पर यू कैन सी कि ऑनलाइन ट्यूशन फी अलग है और आपका ऑन कैंपस ट्यूशन फी अलग है, जो आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ोगे सेकेंड हाफ ऑफ योर कोर्स, ठीक है। जैसे ये क्लार्क यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, 36 मंथ्स का एक कोर्स है, 2,75,000 आपका ऑनलाइन ट्यूशन फी है और फिर आपका 16,800 ऑन कैंपस पे जो भी होता है, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप अगर इन जाकर के एक बार क्लिक करो एंड ध्यान से देखो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स, इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। सो जो भी है, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, बट इस पूरी चीज का एक ही फायदा है कि आप ऑनलाइन इस चीज को परस्यू कर सकते हो एंड इवेंचुअली यू कैन गेट अ 6-month sabbatical फ्रॉम योर जॉब और आप जाकर के उस यूनिवर्सिटी में भी एक सेमेस्टर बिता सकते हो, सो दैट आपका एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस हो, ठीक है। सिमिलरली एडेक्स बहुत पुराना प्लेयर है इस स्पेस में, जो मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करता है बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ, एंड ये सबका प्राइस रेंज 3-4 लाख से लेके 10 लाख तक जाता है, जितना मैंने अपने रिसर्च में देखा है। बाकी यूनिवर्सिटीज जिनके साथ टाई अप हो रहा है और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली लर्न इज ऑल्सो कंपनी जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके बैठा है, और अगेन बहुत सिमिलर सब कुछ, ठीक है। इंटेलीपार्ट बोल के कंपनी है विच हैज टाइड अप विथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जर्मनी, अगेन सिमिलर चीज, ठीक है। IIIT बैंगलोर भी बहुत फेमस है ऑनलाइन हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने में इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, इनका भी एक प्रोग्राम है, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। एंड द लास्ट वन इज ग्रेट लर्निंग, विच इज अगेन वेरी फेमस, विराट कोहली से ऐड करवाते हैं, तो दिस इज द लास्ट वन जो मेरे रिसर्च में मैंने देखा। बट ऑल्सो देर आर सो मेनी अदर कंपनीज जो इस तरह के सेटअप में आपको MS या MTech प्रोवाइड करती हैं, तो मैंने आपके लिए ये एक काइंड ऑफ रिपोर्ट खोज के निकाला है, जहां पर एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन जो है उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया और उसके हिसाब से इन्होंने एक रैंकिंग निकाला है टॉप पोस्ट ग्रेजुएट डेटा साइंस प्रोग्राम्स इन इंडिया, और मोस्टली ये ऑनलाइन है बट कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इन्होंने कंप्लीट लिस्ट बना करके उसको अलग अलग पैरामीटर्स पे एनालाइज किया है। ये लिस्ट को फॉलो करने से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कौन सा प्रोग्राम किस तरह से आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बट अगेन ये थोड़ा ट्रिकी है, सो यहाँ पर आप पैसे थोड़ा सोच समझ के लगाना इफ यू आर प्लानिंग टू डू सो। सो गाइज, ये तो हो गई सारी डिटेल्स जो मुझे आपको देनी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मुझे क्या लगता है, आपको हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहिए डेटा साइंस में या फिर नहीं? अब ऑनेस्टली इसका एक सिंगल आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं है, हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का सिचुएशन अलग है, तो किसी के लिए हायर एजुकेशन सही डिसीजन होगा, किसी के लिए सही डिसीजन नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ मेक श्योर कर सकता हूँ कि मैं आपको ऑनेस्ट पॉइंट्स बताऊँ, डेटा पॉइंट्स, और उन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आप ये डिसीजन खुद लो अपने लिए कि मुझे हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। सो मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, मैं आपको 5 प्रोज बताऊंगा और 5 कॉन्स, उसके बाद आपका डिस्कशन होगा, आपका डिसीजन होगा कि आपको हायर एजुकेशन परस्यू करना है या फिर नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज। सबसे पहला जो एडवांटेज है मेरे हिसाब से वो है इट कैन गेट यू अ प्लेसमेंट,
ठीक है, आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम पढ़ने में भी स्ट्रगल करते हैं डेटा साइंस को, बट उसके बाद असली स्ट्रगल चालू होता है कि जॉब्स नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जॉब्स मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। कहाँ पे जॉब खोजा जाए, उसको कैसे क्रैक किया जाए, इस तरह का नॉलेज हमें नहीं मिल पाता अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम्स हैं, इनकी खासियत ये है कि मोस्ट ऑफ देम हैव डेडिकेटेड प्लेसमेंट प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग के मतलब एज इन कोर्स के कम्प्लीशन के बाद एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है। इन तीनों ही सिनारियोज़ में, आप अगर इंडियन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो, या फिर बाहर जाके पढ़ रहे हो, या फिर ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं ये कर रहे हो, इन तीनों के एंड में आपको प्लेसमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम डेटा साइंस इंडस्ट्री में ब्रेक इन करना चाहते हो, तो आपको ये प्लेसमेंट प्रोग्राम्स हेल्प करेंगे। लेट्स से आप कोई ऐसे प्रोफेशनल हो जो ऑलरेडी 5-8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, बट किसी दूसरी फील्ड में, और वो अब डेटा साइंस में घुसना चाहता है, ठीक है, तो आपको भी इस तरह के प्रोग्राम्स हेल्प कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़, आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए। लेट्स से आप डेटा एनालिस्ट हो 3 सालों से, और आपका सैलरी और आपका जो पोजीशन है आपकी कंपनी में वो काइंड ऑफ स्टेल हो चुका है, फंस चुका है, इम्प्रूव नहीं कर रहा, ग्रोथ नहीं है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स आपको एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपको पैसे दे करके, ये पढ़ाई करके प्लेसमेंट मिल सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो। द सेकेंड एडवांटेज इज नॉलेज एंड डिग्री। ठीक है, सो नॉलेज की बात पहले करते हैं। जैसा मैंने बोला कि खुद से डेटा साइंस पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, आप खुद समझ चुके होंगे इस पॉइंट तक। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो प्रोग्राम्स हैं, इनमें एक बहुत बढ़िया वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको 2 सालों में पढ़ाया जाएगा। एंड ज़्यादातर प्रोग्राम्स के बारे में आई एम वेरी श्योर कि वो आपको डेटा साइंस सिखा कर ही मानेंगे। तो नॉलेज प्रॉपरली इम्पार्ट होगा। अब उस नॉलेज का क्या करना है ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो जॉब ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो और एक स्टेप आगे बढ़ के रिसर्च में उतर सकते हो, PhD परस्यू कर सकते हो, और उसके बाद फिर और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगी। ऑल्सो डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आपको एक मास्टर्स डिग्री मिल जाएगा, यू विल बिकम अ पोस्ट ग्रेजुएट, जिसका एक अलग वैल्यू होगा। सो अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, आपको एक अलग तरीके से देखा जाएगा, बिकॉज यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड नॉट एन अंडर ग्रेजुएट। तो डिग्री का जो एक महत्व है इंडियन सोसाइटी में, वो तो हमेशा रहेगा, और वो आपको ये प्रोग्राम अवेल कराता है। थर्ड जो आपका एडवांटेज है हायर एजुकेशन परस्यू करने का, मेरे हिसाब से वो ये है कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि कंपनीज वैल्यू करती हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स को, एंड दैट इज़ वाई आप जब जॉब सर्च करने जाओगे किसी वेबसाइट पे, Naukri.com या फिर इस तरह की किसी वेबसाइट पे, तो यू वुड नोटिस कि वहाँ पे कुछ जॉब्स ऐसे होंगे जो रिसर्च पोजीशन के लिए होगा, और वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स को अप्लाई करना भी अलाउड नहीं है। वो जॉब्स स्पेसिफिकली मतलब डेडिकेटेड हैं, या फिर क्रिएटेड हैं फॉर MS और MTech पीपल, या फिर PhD पीपल। तो जैसे ही आप MS या MTech कर लेते हो, आपका काइंड ऑफ लेवल अप हो रहा है, और आप उस तरह के जॉब्स में भी एलिजिबल हो जहां पर अंडर ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। पॉइंट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू मी एडवांटेज ऑफ परसुइंग हायर एजुकेशन इज नेटवर्किंग। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपके साथ कुछ लोग होंगे, आपके कुछ सीनियर्स होंगे, आपके कुछ जूनियर्स होंगे, आपके फैकल्टी मेंबर्स होंगे, तो आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हो। मानो या ना मानो, आप डेटा साइंस में हो या किसी और डोमेन में, किसी और इंडस्ट्री में, नेटवर्क आपको हमेशा हेल्प करेगा। कल को अगर कोविड जैसा सिचुएशन फिर आता है और आपकी कंपनी ने आपको निकाल दिया, लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो, तो ये नेटवर्क आपको हेल्प करेगा। कल को आप स्विच करना चाहते हो, आपको ये नेटवर्क आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आप स्टार्टअप करना चाहते हो डेटा साइंस के डोमेन में, आपके पास एक नेटवर्क है जहां पे आपको आपका को फाउंडर मिल सकता है। सो ट्रस्ट मी, नेटवर्क बहुत पावरफुल चीज़ है, और बहुत अननोन तरीके से आपको फायदा पहुंचाता है, और आपको ये नेटवर्क इस तरह के प्रोग्राम्स में मिलेगा। एंड द लास्ट एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मी इज कि अगर आप बाहर सेटल होना चाहते हो, हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर बसना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, और वहाँ पर ही अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर 5-10 साल के लिए जा करके, वो कहा जाता है ना, पैसा कमा के आना चाहते हैं।
तो ये जो आपका कोर्स है एमएस एमटेक जो भी है, स्पेशली जब आप बाहर से करते हो, तो ये वो पोटेंशियल अनलॉक करता है कि आप बाहर जा करके जॉब कर सकते हो, और बेसिकली एक रास्ता क्रिएट हो जाता है बाहर जॉब करने का। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 5 एडवांटेजेस हैं इस तरह के प्रोग्राम में एनरोल होने के। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर द कॉन्स, क्या परेशानियाँ हैं। परेशानी नंबर 1 मेरे हिसाब से पैसा। अब मैंने जैसा आपको बताया कि ये प्रोग्राम्स 3 से 10 लाख के रेंज में हैं अगर आप इंडिया में कर रहे हो, और 50 लाख तक चले जाता है अगर आप एमएस कर रहे हो यूएस जैसी कंट्री से, तो आपको पैसा चाहिए पड़ेगा। सो आप ऑलरेडी अगर एक अंडर ग्रेजुएट हो जिसने जस्ट इंजीनियरिंग या फिर जो भी आपका कोर्स है कंप्लीट करके निकले हो, तो फिर से पैसा लगाना वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट। सो पैसा सबसे बड़ा बैरियर है मेरे हिसाब से। द सेकेंड प्रॉब्लम विद दिस थिंग इज टाइम। ये सीधे सीधे आपकी लाइफ का 2 साल ले लेगा। ठीक है, आई नो अच्छे कॉलेज से करने पे आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, बट इस पॉइंट पे यू हैव टू कमिट 2 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अगर आप उसके लिए रेडी हो, अगर आपके पास वो 2 साल हैं, तो फिर आप कर सकते हो ये प्रोग्राम। बहुत लोग नहीं हैं। ठीक है, लेट्स से आप 30-32 की एज पे हो और यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, या फिर आप और थोड़े बड़े एज में हो जहाँ पे आपके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो इस तरह के सिचुएशन में आप 2 साल कहीं पे कमिट कर दो, जॉब वगैरह छोड़ दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी है। परेशानी नंबर 3 अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि आपको कुछ एडिशनल एफर्ट लगेगा ये प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। सबसे पहले तो अगर आप बढ़िया इंडियन इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे हो, तो आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि कुछ केसेस में गेट का एग्जाम है और कुछ केसेस में खुद के एग्जाम्स हैं। तो इन दोनों के लिए आपको एकदम अलग पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि डिफिकल्ट है। आपको ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। ठीक है, सेकेंड, अगर आप इस प्रोग्राम में घुस भी जाते हो, तो मैंने जितना नोटिस किया है, बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, आपको बहुत एक रिग्रस प्रोग्राम में डाला जाता है, जहाँ पे आपको 4 सेमेस्टर्स में ना जाने कितने पेपर्स क्लियर करने होते हैं, कितने आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, कितने आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो ये सब कुछ करने में और मार्क्स वगैरह स्कोर करने में, सो दैट आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल रहो, आपको काफ़ी एडिशनल एफर्ट लगता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने टाइम दे दिया और आपने पैसा लगा दिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। उस डिग्री का सही वैल्यू आपको अर्न करना पड़ता है, और उसके लिए आपको लगेगा एडिशनल एफर्ट। परेशानी नंबर 4 अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि देर इज़ नो गारंटी ऑफ अ जॉब। मतलब कोई गारंटी नहीं कर सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ देम वुड गिव यू इंटरव्यू चांसेस कि आप जाओ, बैठो, अपने आप को एक्सप्रेस करो और आपको जॉब मिल जाएगा, बट गारंटी तो नहीं है। ठीक है, तो ये एक रिस्क हमेशा रहता है। नाउ इमेजिन, आपने 50 लाख का लोन लिया, आप यूएस में जा कर के एमएस कर रहे हो डेटा साइंस में, एंड 2 साल के बाद जॉब नहीं लगा। ठीक है, होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा हुआ तो फिर आप फंस सकते हो, और उस तरह के सिचुएशन के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। ऑल दो मुझे लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में हमने बात की, वहाँ पे अगर आप अपना बेस्ट शॉट देते हो, तो आपको प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ माई ओपिनियन, बट अगेन इस रिस्क को तो हमें असेस करना पड़ेगा। ठीक है, द लास्ट परेशानी अकॉर्डिंग टू मी इज़ लो ROI, लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, जो भी आपने लगाया, ये गारंटी नहीं है कि पलट करके आपको जो जॉब लगेगा वो आपको इतना पैसा देगा कि आप तुरंत वो पैसा चुका दो जो आपने लोन में लिया। ठीक है, सो नो वन कैन गारंटी यू अ जॉब ऑफ 20 लाख्स पर एनम, और 30 लाख्स पर एनम, और 50 लाख्स पर एनम। ठीक है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल, आपके नॉलेज, आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको खुद से करना पड़ेगा। वहां पे कॉलेज का इनपुट मिनिमल होगा, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ फ्रेमवर्क जहां पे आप बैठ करके पढ़ रहे हो उनके दिए हुए चीजों को। दे आर ब्रिंगिंग कंपनीज, बट उन कंपनीज को क्रैक करना विल टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे लगता है कि अगेन थोड़ा सा रिस्की है कुछ कॉलेजेस के साथ, जहां पे आपको 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख का अगर पैकेज मिलता है, तो मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको अपनी लाइफ का 2 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 5 पॉइंट्स मैंने प्रोज में बताए, 5 पॉइंट्स मैंने आपको कॉन्स में बताए, एंड दिस इज माय एनालिसिस। ठीक है,
ऑल्सो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने बीच में आपको बोला कि कई लोग करियर ग्रोथ या सैलरीज को बढ़ाने के लिए इस तरह का कोर्स करते हैं, तो बहुत लोगों को ये डाउट आता है कि सच में क्या पैसा बढ़ जाता है MS करने के बाद या MTech करने के बाद। द आंसर इज येस। एक्चुअली मैं आपको डेटा के थ्रू ये प्रूव करके दिखा सकता हूँ। इस साल का जो कैगल सर्वे हुआ है डेटा साइंटिस्ट लोगों का, उसमें अगर आप ये चार्ट देखो, किसी ने ये बहुत बढ़िया नोटबुक बनाया है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ पर यू कैन सी जो बॉक्स प्लॉट है वहाँ पे बैचलर्स डिग्री से ज़्यादा पैसा आप मास्टर्स डिग्री में देख पा रहे हो। जिन भी लोगों ने यहाँ पे ये सर्वे फिल किया है उन्होंने ये बताया है कि मास्टर्स डिग्री अर्न करने के बाद सैलरीज बढ़ी हैं। तो ये एक पॉइंट है जो मैं डेटा से प्रूव कर सकता हूँ। आई विल शेयर द नोटबुक, आप भी जा करके देखना। बट येस, MS के बाद ऑन एन एवरेज जो लोग होते हैं उनका जो सैलरी होता है वो अंडर ग्रेजुएट लोगों से बढ़ जाता है। दिस इज समथिंग विच इज प्रूवन। अब इस पॉइंट पे अगर आप श्योर नहीं हो तो मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता सकता हूँ हायर एजुकेशन इन डेटा साइंस के अलावा आप क्या कर सकते हो। आप सबसे पहले तो रादर देन डूइंग MS इन डेटा साइंस आप MS इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो विथ इलेक्टिव्स इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। मतलब आपका MS होगा कंप्यूटर साइंस में बट आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होंगे वो डेटा साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे। तो इन अ वे आप कंप्यूटर साइंस जॉब्स के लिए भी रेडी होगे, आप डेटा साइंस जॉब्स के लिए भी रेडी होगे। सो कंप्यूटर साइंस जॉब्स जो हैं, सॉफ्टवेयर जॉब्स, वो बहुत ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू डेटा साइंस जॉब्स। तो आपके पास ज़्यादा बड़ा एक स्पेक्ट्रम होगा जहाँ पे आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो आपका जो ये रिस्क है कि प्लेसमेंट नहीं हो पाया वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो MS इन कंप्यूटर साइंस विथ इलेक्टिव्स इन डेटा साइंस इज अ गुड ऑप्शन। मेरे हिसाब से ये आपका रिस्क मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज कि आप हायर एजुकेशन ना करो। आजकल कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं, मैं उनके लिंक्स शेयर कर दूंगा। अगेन ये जो कंपनीज़ हैं अपग्रेड, इस तरह की कंपनीज़ ने ये डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने ऐड देखा था, IIT मद्रास का एक डिप्लोमा प्रोग्राम है ऑन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। इस तरह के प्रोग्राम्स 1 साल या फिर उससे भी कम ड्यूरेशन के होते हैं, पैसा भी कम होता है, अराउंड 1 लाख रुपए तक का इसका फ़ी होता है, एंड इनके साथ भी डेडिकेटेड प्लेसमेंट्स होते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप उतना पैसा और उतना टाइम कमिट नहीं करना चाहते। ठीक है, द थर्ड ऑप्शन इज सेल्फ स्टडी, या फिर आप छोटे कोर्सेज कर लो, 2 महीने 3 महीने के कोर्सेज जो होते हैं या 6 महीने के कोर्सेज जो होते हैं जिनका फी 25,000 30,000 तक होता है, आप ये करो, आपको नॉलेज मिलेगा। बाकी आपको बहुत फाइट मारनी है ऑफ कैंपस, आपको जाकर के सर्च करना है चीज़ों को और खुद की प्लेसमेंट करवानी है। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से, बट मैंने देखा है लोगों को इस तरह से तरीके से भी मूव करते हुए और यू नो प्लेसमेंट क्रैक करते हुए। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप जो भी इनमें से पिक करना चाहो आप पिक कर सकते हो। मेरा कंक्लूजन यही है इन शॉर्ट कि मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास हायर एजुकेशन नहीं है डेटा साइंस की फील्ड में तो आपका जॉब ही नहीं लगेगा। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जो आज की डेट में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास कोई हायर एजुकेशन नहीं है, उन्होंने धीरे 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 अपना रास्ता बनाया, खुद से बनाया। तो ज़रूरी तो नहीं है, क्लियरली ये बात समझ में आती है। तो प्रेशर नहीं लेना है कि 4 लोग कर रहे हैं तो यार मुझे भी करना चाहिए कि नहीं, आप अपने हिसाब से सोचो। एक चीज़ मुझे जैसा लगता है कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच गए तो फिर वो प्रोग्राम आपको डेफिनेटली एक पुश देगा, ये भी बात ट्रू है। तो मेरे हिसाब से इट इज़ गुड टू हैव, ठीक है, इफ़ यू हैव द मनी, इफ़ यू हैव द टाइम, तो फिर आप कर लो। ठीक है, आपको कई तरह के और अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर सकता है, बट अगर आपके पास टाइम पैसा कमिटमेंट नहीं है तो भी ट्रस्ट मी, आप खुद पे दिल पे लेकर के आप इस इंडस्ट्री में ब्रेक इन कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ माय कंक्लूजन। और अगर आप अभी भी डाउट में हो तो 2 चीज़ें करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। पहली चीज़ ये कि खुद से बात करो। ठीक है, हर किसी को अपना सिचुएशन पता होता है, कोई और आपको उसमें गाइड नहीं कर सकता। अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, बट आपको पता है, खुद से बात करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है अंदर से खुद से श्योर होना। सेकंड है ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करो ताकि आप एजुकेटेड डिसीजन ले पाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स गैदर करने का मतलब है रीच आउट टू पीपल। जैसे अगर मुझे MS करना है इन डेटा साइंस इन लेट्स से US,
तो मैं ट्राई करूंगा ऐसे लोगों तक पहुंचने का जिन्होंने एमएस कर रखा है यूएस से या फिर कर रहे हैं। ठीक है, अब आज की डेट में इट इज़ वेरी इजी, आप लिंक्डइन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपना चैनल खोल रखा है, आप उनसे बात करो, वो आपको गाइड करेंगे। और सेकेंड, आप बहुत सारा यूट्यूब वीडियो, कोरा के क्वेश्चंस वगैरह कंज्यूम करके अपना माइंड बना सकते हो। ठीक है, एक और टिप मेरी साइड से ये रहेगा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस डिसीजन के ऊपर। पता चला आप 6 मंथ्स अनश्योर हो कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है या नहीं जाना है, और उस चक्कर में आपने पढ़ाई भी नहीं की जो आपको करनी चाहिए थी। सो प्लीज़ अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी बनाओ, अभी अकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है, जस्ट टेक 1 मंथ और 2 मंथ एंड डिसाइड कि मुझे करना है या नहीं करना है, और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दो आपका आगे का जर्नी। ठीक है, सो दिस वॉज द होल वीडियो, आई होप मैं आपको इनफ डेटा पॉइंट्स दे पाया कि आप डिसाइड कर पाओ अपने दिमाग में कि आपको करना है हायर एजुकेशन परस्यू या फिर नहीं। ठीक है, और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट लाइक दिस वीडियो हमेशा की तरह, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।